और दूसरी तरफ दो दिनों के बस्तर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर निशाना साधा। अरुण साव ने कहा कि बस्तर बीजेपी की जीत का द्वार बनेगा। हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार बस्तर दौरे हो रहे हैं और बस्तर समेत पूरे प्रदेश में पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस के पिछले 4.5 साल के शासन के प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, इस बात का भी जिक्र, और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ये बड़ी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति और सद्भावना का गढ़ बनकर विकास की ओर अग्रसर होगा। बस्तर को जिस प्रकार से ठगने का काम, धोखा देने का काम सरकार ने किया है, और न केवल बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ की बदहाली इन्होंने की है। बस्तर में भी ये सही है कि हमारे नेताओं का लगातार आना हो रहा है, बस्तर की धरती पर हमारे नेता आ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। कांग्रेस भी एक तरफ संभागीय सम्मेलन कर रही है। बिलासपुर संभागीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल से लेकर पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जोश हाई एंड का। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आगामी विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ कहा कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी में नेतृत्व का संकट है, हर नेता एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में है। बीजेपी में पिछले 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। पार्टी निराशा के दौर से गुजर रही है, जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मोहन मरकाम के 75 सीटों के दावे पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से। पार्टी ने कुछ वैसे ही खामियां कांग्रेस में गिनाई हैं। बीजेपी की तरफ से भी मरकाम को बीजेपी नजर आती है। बीजेपी भी कह रही है कि 2023 में सरकार हम बनाएंगे, यानी कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे। हम 2023 में हम 75 सीटों के साथ हम सरकार में बनाएंगे, हमारा लक्ष्य है। विस्फोट की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है, बीच में ही नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के में दिखता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से 3 प्रदेश अध्यक्ष इन 4.5 सालों में बदले। भारतीय जनता पार्टी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई नेता बड़ा बनने का प्रयास करता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा हताशा के दौर से गुजर रही है। हम सत्ता और संगठन तालमेल के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है 2023 में हम लोग एकजुटता के साथ जाएंगे और जनता का जनादेश हमको फिर से मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने इतने घोटाले कर दिए हैं कि शहरों में घोटालों की बारात निकल रही है। कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। सारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है। बड़े बड़े मंत्री और उससे भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस बात के लिए दहशत में है कि न जाने कब उनका नंबर भी आ जाए और उनसे पूछताछ हो जाए। तो ऐसे में ये जो सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है, जिसने वादा खिलाफी की है, जिससे जनता नाराज है, उसकी 75 सीटें कैसे आएंगी, ये तो फिर कांग्रेस पार्टी का कोई ज्योतिष ही बता सकता। और उधर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। नोटबंदी हुई तो अनाज तेल का भाव बढ़ा दिया, लॉकडाउन हुआ और नोटबंदी हुई, यही तो केंद्र का रिपोर्ट कार्ड है। सीएम ने तंज भरे लहजे में यह भी पूछा कि चिप वाला नोट कहाँ है। मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने देखा नहीं, क्या है दिखाना भला, तो उन्होंने क्या किया है कि पेट्रोल का भाव कितना बढ़ा, डीजल का भाव कितना बढ़ा, रसोई गैस की कितना कीमत बढ़ा, केरोसिन की कितना कीमत बढ़ाया, अनाज की कितना, तेल की कीमत कितना बढ़ा, वो बताया रिपोर्ट का। ये तो रिपोर्ट कार्ड है, लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ और अभी 2000 का नोट, तो चिप्स वाला नोट कहाँ है अभी तक खो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धान की एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर सूबे की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हिम्मत है तो एमएसपी के मुद्दे पर मुझसे डिबेट करके दिखाएं। वर्ष 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी सरकार से एमएसपी को 4 गुना बढ़ाया गया और कांग्रेस केंद्र के यूपीए सरकार के 9 साल और मोदी सरकार के 9 साल में एमएसपी बढ़ाए जाने के आंकड़े की एक बार फिर से तुलना कर लें। कांग्रेस माफी मांगने के लिए तैयार रहे। गिरिराज सिंह ने पीएम आवास योजना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा।
तीन दिन के बस्तर दौरे पर वो रहेंगे। गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल रहे। गिरिराज सिंह कांकेर, कोंडागांव, जंगलपुर और दंतेवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करने वाले, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ गिरिराज सिंह वन टू वन चर्चा करने वाले। कांग्रेस का कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, उनको पता नहीं है। अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में MSP किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के MSP से 3 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे? ये गरीबों को घर देना, क्या आपके पास पैसे नहीं थे मैचिंग ग्रांट के लिए? आप भारत सरकार के मनरेगा से माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ये सरकार खोखला हो चुकी है और ये छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है।